नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। पल पल की सारी अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रही होगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, पटना हाई कोर्ट से एक रिक्वेस्ट किया गया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सिविल रिट जो है पटना हाई कोर्ट जो पेटिशनर है सुबोध कुमार है वर्सेस शिक्षा विभाग है द स्टेट ऑफ बिहार। आप देख सकते हैं यहाँ पे शिक्षा विभाग ने पटना हाई कोर्ट और जो सुबोध कुमार देख सकते हैं जो पेटिशनर है दोनों से बड़ा रिक्वेस्ट किया है, यानी कि बड़ा खेला खेला गया है। आप देख सकते हैं कितना चालाक है शिक्षा विभाग, किस तरीके से जब मुसीबत आती है देख सकते हैं तो बचने की कोशिश की जाती है, डर के मारे आनन फानन में फैसला लिया जाता है। स्पष्ट शिक्षा विभाग ने कहा है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो सुनवाई की तारीख है वो 29 अगस्त ही रखी जाए, इस तारीख में कोई बदलाव ना किया जाए। ऐसा क्यों कह रहा है शिक्षा विभाग? ऐसा इसलिए कह रहा है कि आपकी जो परीक्षा है 29 अगस्त तक जो है वो निपट जाए और उसके बाद सुनवाई हो। तो देख सकते हैं एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर पोस्ट ऑन 29/8/23 आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से उसने कहा है कि भाई इतनी ही तारीख को जो है सुनवाई होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं एक बड़ा रिक्वेस्ट किया गया है, आप बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सामने उभर के और बड़ी खबर आ रही है द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए लिखा है सुबोध कुमार जो पेटिशनर हैं उनको यहाँ पे रिक्वेस्टेड किया गया है कि भाई आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं और देख सकते हैं द स्टेट ऑफ बिहार यहाँ पे देख सकते हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने उभर के आ रही है दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या खबर है आगे देखिए। खबर आ रहा है जुलाई में सीटेट देने वाले भी हो सकेंगे शिक्षक भर्ती, कहीं ना कहीं जुलाई में सीटेट वालों को भी मौका मिल रहा है। बड़ा संशोधन देख सकते हैं किया गया है विज्ञापन में, संशोधन के द्वारा ये बात कही जा रही है जुलाई में सीटेट देने वाले भी हो सकेंगे शिक्षक भर्ती में अब शामिल। तो ये भी एक बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है, स्क्रीन पे आपको दोस्तों दिखाई दे रहा है। क्या कुछ लिखा है, जुलाई में होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट पेपर वन में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका दिया गया है। आगामी सीटेट दे रहे अभ्यर्थी इस शर्त के साथ शामिल होंगे कि होने की अनुमति दी जा रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है, सीटेट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी अब शामिल हो जाएंगे। 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी एस डी एड की 4 वर्षीय देख सकते हैं 4 वर्षीय यहाँ पे लिखाया गया है कि 4 वर्षीय पाने वाले अभ्यर्थी यहाँ देख सकते हैं जो डिग्री है इनकी और लिखा शिक्षक नियुक्ति होने के 2 साल के अंदर एनसीटी की मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 साल का ब्रिज कोर्स होना चाहिए। तो स्पष्ट रूप से बात जो है वो लिखी गई है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।